वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सब लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसको कि दोस्तों आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। आईएमडीबी की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बिल चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अरशद वारसी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारपला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी,
और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टर से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट करवा जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था, तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था, तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है भाई। पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा भाई। पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे, कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे, जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था, जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर, इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस को कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है, और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी, यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था, तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था, तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है भाई। पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे भाई। पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
ये सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस को कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था, तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार हिरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था, तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है भाई। पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे भाई। पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट करवा जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था, तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था, तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारपला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे, कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट करवा जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपको OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे, जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमान ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार ईरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है भाई पर आपको। ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे भाई। पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देव, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे, जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार ईरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDb की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बिल चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएंगे। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अरशद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट करवा जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावना को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार हिरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपको OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अरशद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था, और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबराय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट करवा जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह है सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है, दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार ईरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। IMDb की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे कि अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अरशद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देव, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे, कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार ईरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे कि अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे, कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमन ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। IMDb की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे, कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की जप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं,
सारी की सारी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब, कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। IMDb की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चारवाला एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साए संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई MBBS के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई MBBS, जिसको कि दोस्तों IMDB ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। IMDB की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर $16 मिलियन की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे कि अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त, जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चावला, एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको TV पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से YouTube पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की झप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसको कि दोस्तों आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 8.1 आउट ऑफ 10 की। आईएमडीबी की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 आउट ऑफ 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शक्कर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर 16 मिलियन डॉलर की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे क्या अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त, जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे। एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चावला, एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है। क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
ये सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी सूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतजार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की जप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई MBBS मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे भी इसे किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मुन्ना भाई MBBS मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं कैसे आप इस मूवी को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी,
बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में कि कब कैसे और कहां पे आप इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साल 2003 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी चिकासी कॉमेडी ड्रामा पर आधारित मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसको कि दोस्तों आईएमडीबी ने रेटिंग दी है 8.1 out of 10 की। आईएमडीबी की कुछ रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी शानदार रेटिंग होने के साथ साथ इस मूवी को बॉलीवुड हंगामा ने रेटिंग दी है 3.5 out of 5 की। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग देखने को मिलती जा रही है। वहीं पर आपको ये मूवी कुछ देखने को मिली थी 19 दिसंबर 2003 को, एंड जिसको कि डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। वहीं पर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विधु विनोद चोपड़ा और बीर चोपड़ा द्वारा। और वहीं पर आपको सिक्वल में देखने को मिल जाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई, सिक्वल जिनकी मूवी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों बात करें अगर इस मूवी के देखने के बारे में कि आप इसको मूवी को देखने लायक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मुन्ना भाई और शकर जैसे प्रसिद्ध दो प्यारे पात्रों के साथ एक काफ़ी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने शायद पैच एडम्स के एक बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की चाहत का विचार लिया हो, उसी के संक्षेप में पूरी कहानी चलती है इस मूवी की। और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी की तरफ से। वैसे तो अगर मूवी की बात करें 2003 की काफ़ी बेहतरीन मूवी है, एंड अभी के टाइम में भी काफ़ी जो लोग हैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ठीक ठाक से हमें कॉमेडी एंड काफ़ी अच्छा खासा हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में कि क्या जब ये मूवी आई थी तो क्या हिट एंड फ्लॉप हुई थी, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ लगे रहो मुन्ना भाई जो कि इन्हीं की ऐसी मूवी थी, एंड उसके साथ उसने काफ़ी अच्छा खासा 2006 में रिलीज़ की गई थी, इसके सिक्वल में रिलीज़ हुई थी, एंड उसने जो अर्निंग की थी लगभग यहाँ पर 16 मिलियन डॉलर की कुछ करी थी, एंड काफ़ी जो ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी एंड ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा इस मुन्ना भाई मूवी का जो फेमस होने का सबसे मेन जो चीज़ है वो एक इस मूवी की स्टोरी, जो कि काफ़ी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। और एक जो विलेन है कैसे कि अपनी डॉक्टरी को पढ़ाई को कैसे पूरा करता है और सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिलता है। तो ये देखने के लिए काफ़ी आपको दिलचस्प रहेगा और आपको काफ़ी ये मूवी पसंद आ जाएगी। तो यही कुछ कहानी है इस मूवी वगैरह को लेकर, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिल्म में ये सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड आपको ये सब कुछ बार बार कॉमेडी वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। भाई पर मैन कास्ट में अगर बात कर लें तो दोस्तों मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मैन लीड एक्ट्रेस में सबसे पहले बात कर लें तो संजय दत्त, जो कि आपको मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेंगे। एक विलेन का भी रोल एक टाइप से आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पर अर्शद वर्सी जो कि सर्किट का जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, बोमन ईरानी, जिम्मी शेरगिल, सुरेश चावला, एंड इसके साथ साथ क्रुश देवी, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर लें कि आप इस मूवी को कैसे कब और कहां पर देख सकते हैं, तो वैसे तो देखिए दोस्तों ये मूवी काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी जो कि आपको पता ही है, एंड उसके साथ साथ इस मूवी को क्या यूट्यूब पर अवेलेबल कर रखा है, जैसे कि काफ़ी जो पुरानी मूवीज़ हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिल जाती है, क्या ये ऑफिशियली रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी फेमस मूवी है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी भी चल रही है और आए दिन आपको टीवी पर देखने को मिलती रहती है, और इसी कारण से ये जो मूवी है ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं की गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये जो मूवी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के रूप में, एंड यहाँ पर फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नेट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इस मूवी को फ्री में भी देख सकते हैं, बाकी वो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, अपनी राय एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लें दोस्तों कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर, तो साल 2003 में संजय दत्त की गंगाधरी सबको काफ़ी खूब पसंद आई थी, जो फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पहली बार संजय दत्त जो की थी इन्होंने, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा थे, और इससे राजकुमार हिरानी ने अपने डायरेक्टर करियर का डेब्यू किया था। और गंगाधरी के अलावा फिल्म के कई ऐसे एलिमेंट थे जिसमें फिल्म को सुपरहिट किया, जिसमें सर्किट, जादू की जप्पी और भी कई कैरेक्टर थे जिनकी वजह से मूवी आज तक भी फेमस है और आप भी देखने को मिल जाती है। फिल्म में दोस्तों संजय दत्त को कैसे कास्ट किया जान लेते हैं। लीड रोल के
लिए सबसे पहले जो शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन दोस्तों गले में चोट लगने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पर। और नहीं तो अगर वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपको संजय दत्त की जगह इस मूवी में शाहरुख खान का रोल प्ले देखने को मिलता। वहीं पर विवेक ओबेरॉय ने भी उस मूवी के लिए मना कर दिया था, जिसमें दोस्तों जिम्मी शेरगिल को इसके लिए कास्ट किया गया, लेकिन बाद में दोस्तों निर्माताओं ने संजय दत्त को लीड रोल में लेने के लिए फाइनल किया था। जब जाके आपको संजय दत्त इस मूवी में देखने को मिले हैं। जिमी शेरगिल ने इस फिल्म में पेशेंट जाहिर करके काफ़ी अच्छा खासा किरदार निभाया था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी में देखने को मिल जाता है। राजकुमार हिरानी को डॉक्टरों से था डर। इस कुछ आपको बता दूं कि वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसे इंडियंस कॉमेडी की जा सकती है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और इस मूवी में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय पर अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष वगैरह कर रहे थे, इसमें उन्होंने काफ़ी जो कह सकते हैं मतलब उनका स्टार्टिंग पीरियड था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और जो कि जेब कतरे की छोटी सी स्क्रीन मिलने का उन्हें टाइम मिला था, जो स्टेशन पर सुनील दत्त का जो पर्स है वो लूट कर भाग जाता है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफ़ी पहले का इफेक्ट्स, जो कि उनका स्टार्टिंग पीरियड एक टाइप से हम कह सकते हैं। ईरानी की दोस्तों ये जो फिल्म थी पहली फिल्म थी, इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट चाहते थे एकदम बेहतरीन तरीके से, इसलिए उन्होंने रियल डिसीजन रूम और सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए काफ़ी असली डेड बॉडी जो उनके साथ है काफ़ी शूट किया था, जब कुछ रियल में करने का कोशिश करी थी, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। सुनील दत्त ने इस फिल्म में दोस्तों संजय दत्त के पिता के रोल के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की थी। यह सुनील दत्त की काफ़ी आखिरी फिल्म थी। और वहीं पर दोस्तों आपको काफ़ी जानकर हैरानी होगी, रानी मुखर्जी ने चिंकी के किरदार के लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, लेकिन डेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर तब्बू को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन तब्बू के बाद ग्रेसी सिंह ने इस रोल को निभाया था। तो इतने कैरेक्टर्स के बाद कहीं जाके इसमें देखने को मिला था। वहीं पर दोस्तों परफेक्ट करने की वजह से इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने काफ़ी रियल फील कराने के लिए वेडिंग सेट चाहते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए सब असली शादी में गए और दूल्हा दुल्हन को बधाई दी, फिर उनके जाने का इंतज़ार किया। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज से चले गए तब जाके संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बुमा ईरानी ने काफ़ी अपनी शूटिंग की तैयारी की, फिर जाके वहीं पर शूटिंग की तैयारी की और शूट किया। बजट की समस्या चलते राजकुमार ईरानी चाहते थे कि महंगे बेडिंग कपड़े पहने, खरीदने के बजाय उन्होंने रेंट पर लेकर पहना जाए। इस बात से ग्रेसी सिंह गुस्सा हो गई, तो उन्होंने बाद में संजय दत्त से कई जो गुस्साएं, संजू बाबा ने कहा कि वो अपने ग्रेसी के कपड़े खरीद लेंगे, तब जाके आपको मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, संजय दत्त और दोस्तों सुनील दत्त के बीच जादू की जप्पी वाला सीन है दोनों के करियर का सबसे यादगार सीन था उस टाइम का। इसे शूट करते वक्त दोस्तों दोनों के गले लगकर रोने लगे थे, और उन्होंने काफ़ी ध्यान में रहा था कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कट बोल दिया था। तो काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी टाइप से मूवी में। और यहाँ पर सर्किट के लिए जो पहले मकरगंध देश पांडे थे, लेकिन बाद में ये जो रोल है अरशद वारसी को दिया गया। अरशद वारसी ने बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में फिल्म फेयर का जी सिनेमा अवार्ड्स भी जीता था, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी को लेकर पता थे या फिर अभी पता चले हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यही थे दोस्तों इस मूवी की कुछ कहानी और कुछ फैक्ट्स, तो आपको कैसे लगे आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज के वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जो अपकमिंग डेट्स की अपडेट देते रहते हैं, जिसमें आपके OTT एंड वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, तो बाकी आप मुन्ना भाई मैं भी इस मूवी को बिंदास तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।